जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ समेत शिखर जी को केंद्र सरकार पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। यही विषय को लेकर पूरे देश को जैन समाज आंदोलित है। बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज जैन समाज ने प्रदर्शन करे। अशोकनगर में जैन समाज ने मौन जुलूस निकाले, एक ज्ञापन सौंपे और केंद्र सरकार से जो निर्णय वापस लेने की मांग करी। कई जा रही है कि जैन समाज को प्रसिद्ध तीर्थ है सम्मेश शिखर, जिते कई सारे जैन तीर्थंकर मोक्ष गए और ऐसी जगह को पर्यटन स्थल घोषित करके उते असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देवे की कोशिश हो रही और यही वजह से जगह जगह जैन समाज प्रदर्शन कर रहा हो। और अगर जल्द जो निर्णय वापस नहीं लगाओ तो 21 दिसंबर को भारत बंद को आह्वान करे जे है। अशोकनगर जैन समाज ने दिया है, उसमें तीर्थराज सम्मेश शिखर जो कि पूरे विश्व में जैन समाज का धार्मिक आस्था का केंद्र है, जिस भूमि से हमारे 20 तीर्थंकर करुण मुनिराज मोक्ष गए हैं, उस स्थल को केंद्र सरकार द्वारा एवं झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल जो बनाने का आदेश इशू किया है, उसके विरोध में यह ज्ञापन हमने शब्द दिया है पूरी समाज में। सरकार से ये मांग है कि वो धार्मिक स्थल है जिसका कण कण पूज्य है और उस स्थल पर शराब मांस एवं अन्य तरह के वहाँ पर कार्य हों वो जैन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैन समाज एक अहिंसक समाज है, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो जैन समाज चुप नहीं बैठेगी, पूरे देश में इसका आंदोलन होगा। आज जो ज्ञापन दिया सिर्फ अशोकनगर में दिया कि और भी शहरों में, पूरे देश में ज्ञापन दिए गए हैं। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के आह्वान पर पूरे देश में और भी अन्य जो मुनिराज आचार्य हैं हमारे, उन सब ने पूरे देश में ये है और 21 तारीख को अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो पूरा भारत बंद का आह्वान जैन समाज के द्वारा रहेगा। रेलिंग बनाना क्या सही लग रहा है धीरे। बेहद पवित्र और धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोग खासे निराश हैं सरकार से। अशोकनगर से विश्वास अगर या बुंदेली पोचार के लाने सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।